1983 में जब वर्ल्ड कप भारत ने जीता तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर भारत को देख रही थी। जी हाँ, जबकि इसके पीछे जो शख्स खड़ा था उनका नाम कपिल देव था, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में भारतीय टीम ने एक कारनामा कर दिखाया था। और यही वो समय था जब भारत में क्रिकेट को लोग जानने और पसंद करने लगे थे। कपिल के खेल को देखकर ही युवा पीढ़ी को क्रिकेट के बारे में चाह बढ़ने लगी। 1975 में प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में कपिल देव ने प्रवेश किया। उन्होंने सन 1978 में पड़ोसी मुल्क में प्रथम टेस्ट मैच खेला। सचिन तेंदुलकर से पहले कपिल ही ऐसे सबसे छोटी उम्र के बल्लेबाज थे जिन्होंने 1979 में दिल्ली में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेलते हुए 126 रन बनाए और नॉट आउट रहे। जी हाँ, बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम में मध्यम तीव्र गति के गेंदबाजों की कमी को कपिल देव ने काफ़ी हद तक दूर कर दिया। उन्होंने अपनी प्रभावशाली मध्यम गति की तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी से जिन बुलंदियों को छुआ वह प्रशंसा की योग्य है। 30 जनवरी 1994 को बेंगलोर टेस्ट में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए कपिल देव 431 विकेटें लेकर न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हैडली की बराबरी पर आ खड़े हुए। तुम्हारी योग्यता और अलौकिक संकल्प शक्ति का पुरस्कार है, यह ये शब्द लिखे थे कपिल की उपलब्धि पर बधाई संदेश में सर रिचर्ड हैडली ने। बता दें कि कपिल देव ने बाई गॉड्स टिक्री इस नाम से अपनी आत्मकथन लिखी। विश्व में जाने माने ऑलराउंडर के क्रिकेट जीवन की शुरुआत की कहानी भी दिलचस्प है, या हम यह भी कह सकते हैं कि भारत में क्रिकेट को लेकर जब तक दीवानगी रहेगी तब तक कपिल देव को भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।